वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा। तो नाज़रीन प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं आज हमारी एक ऐसी स्किन कंडीशन के हवाले से जिसे हम इतना इग्नोर कर देते हैं कि वो वर्स्ट हो जाती है। अच्छा जी, हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में एक्जिमा के हवाले से, जिसको गालिबन चुंबल भी कहा जाता है। ये क्या है स्किन कंडीशन? इसमें हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हल्की सी सुर्खी इसमें आ जाती है, इचिंग का एहसास होता है, और अगर इसको बरवक्त ट्रीट ना किया जाए तो ये खुदा नखास्ता वर्स्ट भी हो सकती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कंवल जवाद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, खासकर आज हम डिस्कशन करेंगे एग्जिमा के साथ साथ कि ये माँ से बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होती है। लेकिन सबसे पहले एक्चुअली एग्जिमा या चुंबल है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं? बेसिकली ये एक स्किन डिजीज़ है, इसे हम डर्माटाइटिस कहते हैं, वर्स्ट किस्म का डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस मतलब स्किन का इन्फेक्शन। सो वर्स्ट किस्म का स्किन इन्फेक्शन जो कि बच्चों से लेके बूढ़े हर एज ग्रुप को हो सकता है। मतलब बच्चे हैं, जवान हैं, औरत है, मर्द है, कोई भी किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उन्हें एक्जिमा हो सकता है। कंटेजियस नहीं होता, ठीक है, लगता नहीं है एक से दूसरे को, लेकिन माँ से बच्चे में बिल्कुल ट्रांसमिट हो सकता है ये, क्योंकि ये एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है जो जीन्स के थ्रू माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो जाता है। एक्जिमा में आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं? किसी को भी जिसको एक्जिमा होता है उसे उसकी बॉडी पे सबसे पहले इचिंग महसूस होती है, उसे ड्राइनेस होती है। उस इचिंग के बाद जब वो कॉन्टीन्यूसली इच करता है तो वहाँ ज़ख़म बन जाते हैं, ठीक है। उस ज़ख़म की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, वो आपको लंबे भी हो सकते हैं, गोल भी, मतलब हर तरह के हो सकते हैं वो ज़ख़म। उसकी कोई ख़ास कैटेगरी, जैसे फंगल इन्फेक्शन है ना, उसमें हम मेंशन कर देते हैं कि जी आपको राउंड सर्कल्स बनेंगे। एक्जिमा में ऐसा नहीं होता, आपको ज़ख़म बनते हैं। उन ज़ख़म में अगर सीवियरिटी ज़्यादा हो, आप अगर मेडिकेशंस नहीं ले रहे हैं, आप एहतियात नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो वर्स होता चला जाता है, और फिर उसमें से खून भी निकल आता है, उसमें से पस भी निकल आती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो एक मतलब एक कंप्लीट इन्फेक्शन बन के आपको फीवर भी करवा सकता है, मल्टीपल उसके। तो ये चीज़ें होती है, ट्रिगर कैसे होता है? इसकी जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं वो हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और एक हमारी अपनी बॉडी से ट्रिगर होता है। नंबर वन, अगर हम बात करें बॉडी वाले फैक्टर्स की, कि बॉडी में ऐसा क्या होता है ये ट्रिगर होता है, आपका स्वेट, पसीना, आपका सलाइवा, ठीक है, यानी कि थूक से भी ये ट्रिगर हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ड्रिबलिंग हो रही होती है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सोते हुए मुँह से उनका जो थूक है वो बहता है, या किसी भी एंगल से अगर आपकी बॉडी पर वो आपको लग रहा है तो वहाँ पर इचिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो आपके एक्जिमा को ट्रिगर कर देगी। तो उसको उस टाइम बिल्कुल नहीं छेड़ना, अक्सर लोग बहुत इचिंग करते हैं। देखें होता क्या है, बेसिकली आपकी जीन्स में एक चीज़ मौजूद है। फॉर सपोज आपके पेरेंट्स, भले दोनों को हो या मोस्टली ये माँ से ट्रांसमिट होता है, लेकिन दोनों को भी हो सकता है। सो दोनों को है तो बच्चे के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि एक्जिमा डेवलप हो जाएगा। अगर बाप से ट्रांसमिट हुआ है तो ज़रा कम चांसेस हैं, इसकी परसेंटेजेस होती हैं। माँ से ट्रांसमिट हुआ है तो ज़्यादा चांसेस होती है कि वो ट्रिगर करेगा। बच्चा जब पैदा होता है, यूजुअली एक्जिमा का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल से लेकर और 10 साल के ड्यूरेशन तक होता है। 2 साल में वो स्टार्ट होता है अपने सिम्टम्स देना, और 10 साल की एज तक थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 1 से लेके 6 महीने के बच्चे को भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा? उसके चीक्स रेड होना शुरू हो जाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा। एक नॉर्मली बच्चे के चीक्स रेड होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, बट आपको फील होगा कि वो ज़्यादा रेड हो रहे हैं, उस पर क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो आपको फील होगा कि बच्चे में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। और अगर माँ या बाप में से किसी को ऑलरेडी सिम्टम्स हैं तो आप उसे अज्यूम कर सकते हैं कि इसे एक्जिमा होना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने 1 से 6 माह तक के बच्चे का जिक्र किया, अक्सर हमने इस एज ग्रुप में बहुत सारे बच्चों की एक हेल्थ कंडीशन देखी है जिसको क्रेडल कैप भी गालिबन कहा जाता है। तो क्रेडल कैप एक्जिमा से मुख्तलिफ कंडीशन है? बिल्कुल, टोटली डिफरेंट है। जो आप क्रेडल कैप कह रही हैं, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के सर पर आपको येलोइश टिंज नज़र आएगा, स्केल्स बने हुए होंगे बच्चे के सर पर, पीले रंग के स्केल्स बने हुए होना, वाइट कलर के स्केल्स होना, बच्चे के अंदर कॉन्टीन्यूसली उस प्रॉब्लम की वजह से इरिटेशन रहना।
क्योंकि छोटा बच्चा है, बोल के नहीं बता सकता डेफिनेटली, बट वो इरिटेट रहेगा, सोएगा नहीं प्रॉपरली, और आप उसकी माँ को या देखने वालों को फील होगा लिटरली कि उसके सर पे जिस तरह से आम लोगों को खुश्की के क्लिपर बन जाते हैं, बच्चे को वो येलोइश फील होंगे। वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है, राइट? वो एक डिफरेंट बीमारी है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे में एक्जिमा के जीन्स मौजूद हों, और फिर किसी भी एंगल से उसको वो क्रेडल कैप बना और वो फंगल इन्फेक्शन भी उस पर सुपर इम्पोज्ड हो गया। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब बच्चे को एक्जिमा होगा तो उसके जो फीचर्स हैं उसमें उसकी बॉडी का ड्राई होना ओवरऑल सर से पाँव तक, उसके चीक्स का रेड होना नंबर टू, और नंबर थ्री वो बच्चा इरिटेट रहेगा ज़्यादातर। लेकिन जब बच्चा 2 साल में सिम्टम्स रहता है, 2 साल तक बच्चा आपका नॉर्मल रहेगा। मोस्टली माएँ हमारे पास आके ये हिस्ट्री देती हैं कि 2 साल तक इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये ऑल इन सडन अभी। फिर हम हिस्ट्री लेते हैं कि कैसे, हम बात कर रहे थे, आपने कहा था पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बॉडी के बता दिए हैं। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, स्मोकिंग इसको एग्जेजरेट करती है, ट्रिगर करती है। नंबर टू, ड्राइनेस इसे ट्रिगर करती है। अगर बच्चा, एक बच्चे की स्किन का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बच्चे की स्किन ओवर ड्राई हो रही है, बिकॉज जीन्स तो मौजूद हैं, वो ट्रिगर हो सकता है इजीली। उसके अलावा आपको कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो इसे ट्रिगर कर सकती हैं। आपको पोलन, जैसे एक ख़ास सीज़न आता है मार्च से लेके जुलाई तक वो रहता है, उसमें आपको ये एलर्जी ट्रिगर हो सकती है, बिकॉज उसमें जिनमें भी एक्जिमा के जीन्स मौजूद हैं उन सब में ये ट्रिगर कर जाता है। सही, ठीक है। तो ये फीचर्स आपको इन्वायरमेंटल ऐसे इफ़ेक्ट करते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी का, या आपको पता है, फॉर सपोज़ हमें पता है मैं माँ हूँ, मेरे अंदर एक्जिमा के जीन्स मौजूद हैं, मुझे सिम्टम्स आते हैं, तो मैंने अपने बच्चों का खास ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा ये जेनेटिकली होगा, माँ में होगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चों को ट्रिगर करेंगे, फिर आपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आपने बताए, इसका कोई ताल्लुक हमारी इम्यूनिटी के साथ भी है? इट्स नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, इसका हमारी इम्यूनिटी के साथ एक गहरा रिश्ता है। बहुत सारे लोग जो इन सारे फैक्टर्स को करेक्ट कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनको सीजनल भी नहीं हुआ, उनको ड्राइनेस भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उनका इम्यून सिस्टम किसी वजह से ओवर एक्टिव हो रहा है, राइट? सो इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिव होने की वजह से आपको एटॉपिक डर्माटाइटिस हो जाता है, जो कि एक्जिमा ही करवाता है। एटॉपिक डर्माटाइटिस क्या होता है? एटॉपी, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसका कॉज हमें नहीं पता। ए का मतलब होता है नो, टॉपी हमें कॉज के बगैर वाली बीमारी है ये। तो एटॉपिक डर्माटाइटिस ऐसा डर्माटाइटिस, ऐसा स्किन का इन्फेक्शन होता है जिसका कॉज हमें नहीं पता होता, बचपने से स्टार्ट होता है और वो आपको बहुत आगे तक जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको 3 चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ एक्जिमा ही नहीं, एक्जिमा हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, और हे फीवर हो सकता है। ये तीनों चीज़ें इसी में लिस्ट करती हैं, इसी में फॉल करती हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिव होने की वजह से होती है। तो ये दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ इम्यून सिस्टम। डॉक्टर कवल, ये भी हमें बताएगा कि ये हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकता है या कुछ सेंसिटिव पार्ट्स हैं वहाँ पर होगा? नहीं, ये हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकता है। आपको मोस्टली जो स्टार्ट होता है, जैसे मैंने बच्चों का बताया था कि बच्चों में स्टार्ट होता है उनके चीक्स रेड होना शुरू हो जाते हैं, उसके अलावा उनकी पूरी बॉडी ड्राई होना शुरू हो जाती है, उस पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं बॉडी में से। आपको फिर क्या होता है, फर्दर आपकी जो स्किन के ड्राइनेस के इशू की वजह से जो उनकी स्कैल्प है वो भी ड्राई होगी, तो वहाँ डैंड्रफ डेवलप हो जाती है। सो आपकी स्कैल्प से लेके और आपकी टोनेल तक एक्जिमा कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अक्सर जैसे विंटर सीजन चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, विंटर्स आएंगे और जो बहुत ड्राइनेस हो जाती है, अक्सर लोगों को हाथ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है और थोड़ी सी रेडनेस भी हो जाती है, स्पेशली उन लोगों को जिनको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, तो ये भी एक्जिमा की ही एक टाइप है, उसके अलावा उनको और कहीं बॉडी पर सिम्टम्स नहीं होते? बेसिकली नबीहा, इसे हम ज़ीरोसिस कहते हैं। ज़ीरोसिस का मतलब ये होता है कि ड्राइनेस होना, और ये मोस्टली ओल्ड एज लोगों में होती है। ज़ीरोसिस ओल्ड एज लोगों में जब डेवलप होती है तो ड्राइनेस की वजह से ही होती है, इसे हम ज़ीरोटिक एक्जिमा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अगर आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं या आप नॉर्मली ऐसे जो अभी एज नहीं हुए हैं, उनका हाइड्रेशन लेवल ना मेंटेन होने की वजह से उनकी स्किन ड्राई होती है हाथों में और पैरों के नीचे, यहाँ आपको ये जिन्हें हम तलवे कहते हैं, इसमें भी क्रैक्स पड़ना शुरू हो। आपने देखा इस वेदर चेंज के साथ बहुत सारे लोगों को एड़ियाँ फटने की शिकायत होती जी, है जी, जी, जी। बहुत ज़्यादा, और इतनी सीवियरिटी से होती है कि उनसे चलना भी मुश्किल हो जाता है, और पेडिक्योर करवा करवा के जो है वो मज़ीद ख़राब कर देते हैं।
तो वो बेसिकली आपकी स्किन ड्राई हो रही है, उसको आपने ट्रीट करना है. पेडिक्योर करवाना इज नॉट अ सॉल्यूशन. आपने उसे ट्रीट करना है. जब तक वो प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं होगी, मॉइस्चराइज नहीं होगी, आपका मसला हल नहीं होगा. सो जिन्हें ये क्रैकिंग का प्रॉब्लम है, उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर की हाइड्रेशन को मेंटेन करना है. प्रॉपरली हाइड्रेट करें अपना आप, प्रॉपरली अपने आप को बाहर से मॉइस्चराइज करें. सो आपका प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होगा. डॉक्टर कमल, स्किन से मुतालिक जितने भी इश्यूज होते हैं, हम कभी मतलब बहने हैं अगर, तो कभी भी आप एक दूसरे के ड्रेसेस एक्सचेंज करते हुए, कभी बहनें सोचेंगी नहीं, ऑब्वियसली फ्रेंड्स भी एक्सचेंज कर लेती हैं. मैं चाहूँगी हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करें कि कपड़े एक दूसरे के जब हम एक्सचेंज करते हैं बगैर उनको वॉश किए, तो इससे कितनी ज़्यादा स्किन डिजीजेज जो हैं. आपने एक्जिमा का, ये तो कंटेजियस नहीं है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी स्किन कंडीशंस होंगी जो कि आप जब अपने कपड़े एक्सचेंज करते हैं विद एनीवन, तो वो आपको हो सकता है. बिल्कुल, ये इसमें ख़ास एहतियात करनी चाहिए. देखें, सफाई वैसे भी नस्फ ईमान है. हमने सफाई हर हाल में रखनी है. अगर आप भले हम बहने भी हैं, फिर उसके बावजूद भी अगर एक बंदे ने कपड़े वो उतारे हैं, तो आप उसको बग़ैर वॉश किए इस्तेमाल ना करें. किसी भी वजह से कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप वॉश नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत जल्दी है, तो एटलीस्ट उसे थोड़ी देर धूप में ज़रूर रखें, ताकि उसके अंदर के जर्म्स ख़त्म हो जाएं. उसमें क्या होता है कि जो कंटेजियस डिजीज़ होती हैं, कुछ हमें पता नहीं चल रहा होता और वो हमें ट्रांसमिट हो जाती हैं, फिर हमें पता चलता है कि जी मैंने ये काम किया था इसलिए हुआ है. इसमें आपको स्केबीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, बिकॉज स्केबीज़ एक ख़तरनाक बीमारी इसलिए है कि इसमें पेशेंट हमें बहुत अच्छा उसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो नहीं देता, यानी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है. एग्जैक्टली, बिकॉज वो फैमिली में फैल जाती पूरी है, पूरी फैमिली में फैल जाती है. तो स्केबीज, हम इसे यही कहते हैं कि स्केबीज एक फैमिली डिजीज है, क्योंकि एक बंदे को हुई, उससे ट्रांसमिट होने में बहुत इजी है. और कपड़े उसका मेन सोर्स होता है. टॉवल है, बेडशीट है, आप कपड़े ले लें, स्लीपर्स ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कॉन्टैक्ट में रहती है घर वालों के, उससे ट्रांसमिट होती है. सो आपने एहतियात करना है, स्केबीज ट्रांसमिट हो सकती है. किसी किस्म का भी फंगल इन्फेक्शन अगर आपको है, तो वो ट्रांसमिट हो सकता है दूसरे में, अगर आप बगैर वॉश किए वो कपड़े पहन लेंगे. इवन दो स्लीपर्स भी अगर आपने फंगल इन्फेक्शन वाले बंदे के पहने, स्केबीज वाले बंदे के पहने, तो भी आपको वो बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है. और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक्चुअली कंटेजियस नहीं है, बट अगर आप उसे सोर्स देंगे ट्रांसमिट होने के लिए, तो वो हो जाएंगी. वायरल इन्फेक्शन सारे ट्रांसमिट हो सकते हैं. कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ हुआ है, चाहे वो स्किन का हो, चाहे वो आपको कोई एलर्जी हुई है, कुछ भी वायरल इन्फेक्शन है, मतलब उसने ट्रांसमिट होना है. तो आपको एहतियात करनी चाहिए. इसमें कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जो कंटेजियस नहीं है, लेकिन वो आपके अगर कपड़ों में लगें, दूसरे बंदे ने पहने, उसको कोई कट लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, वो ट्रांसमिट हुआ, तो आपने उसे सोर्स प्रोवाइड कर दिया. कंटेजियस नहीं था, बट कट था, एक सोर्स था, वहां से वो एंटर हुआ आपके ब्लड के अंदर, और वो आपको भी हो जाएगा. ठीक है, सो इट्स गुड कि ऐसा ना करें. हमारे यहाँ हम इतना कैजुअल हो जाते हैं ना, स्किन रिलेटेड कोई भी इशू हो तो यूजली स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हुए भी हम बड़ी सस्ती भी कर रहे होते हैं. यूजली घर में कोई चीज़ें हैं तो वो उठाकर अप्लाई कर दी, हाथ पे लगा ली, किचन में अगर कट लगा, कोई स्किन आपकी बर्न हो गई तो हम आटा लगा लेते हैं, चेहरे पे बेसन लगा लेते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जब हम इतनी स्वेयर स्किन कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप देखने वालों को क्या कहेंगी कि कोई इस तरह का टोटका या कोई इस तरह की चीज़ मत करें, बल्कि जो आपका हेल्थ प्रोवाइडर है उसके पास फौरी तौर पे जाएं, उसको प्रॉपर ट्रीट करें? बिल्कुल ऐसा ही है नबिया. देखें, अगर हम स्किन रिलेटेड डिजीज़ की बात करें, तो वो कंटेजियस, मैंने अभी हमने जिक्र किया कि कुछ कंटेजियस होती हैं. देखें, उसके लिए अंडरस्टूड है कि आपने ट्रीटमेंट लेना है, वो आपको टोटकों से नहीं जाएगी. हाँ, फॉर द टाइम बींग आपको कोई हल्का सा कट लगा है, कोई हल्का सा बर्न हुआ है, आप घर में ले सकते हैं, कोकोनट लगा सकते हैं बर्न के केसेस में, आप अंडे की सफ़ेदी लगा सकते हैं इमीडिएटली किसी भी बर्न के लिए. ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है और ये बुकिश हैं. लाइक मैं इसको ऐसे नहीं बता रही कि ये सिर्फ हमने टोटके किए, ये हमारी बुक में रिकमेंडेड हैं ये चीज़ें. तो आप ये चीज़ें बर्न पे इमीडिएटली अप्लाई करें, लेकिन अल्टीमेटली आपने जाना, आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करना है, ताकि वो आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट दे सके और बाद में स्कारिंग ना हो, निशान ना बने. कोई छोटी मोटी चीज़ है, आप ट्रीटमेंट घर में करें, हम मना नहीं करते. ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये प्रॉब्लम वर्स हो रही है, बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, देखिए उसी के लिए आपको एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. ऐसा ना हो कि इसके बीच जैसी एक बीमारी आपको है, फॉर सपोज आप हॉस्टलर हैं, आप हॉस्टल से अपने घर गए, आपको वो प्रॉब्लम है और घर में किसी को नहीं थी, हॉस्टल से लेके आप अपने घर गए, आपको शायद वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, बट आपके घर में बूढ़े लोग भी होंगे, राइट? कोई ऐसे लोग भी होंगे जो इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं,
तो वो आपसे उनको ट्रांसमिट होके मजीद वर्स हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कंडीशन है जिसको गालबन हर्पीस कहा जाता है, जो कि आपके लिप के पास होती है, एक बहुत बुरा सा एक ब्लिस्टर बन जाता है अक्सर, और वो आपको ट्रिगर करता रहता है साल में एक बार, दो साल में एक बार। इसके रीजंस क्या हैं, ये कौन सी कंडीशन है, ये भी आगे ट्रांसमिट होती है बच्चों में, कंटेजियस है, केयर क्या है इसकी? देखिए, इसका हर्पीस का भी ये होता है, मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें फीवर होता है, फीवर होने के बाद उनके लिप्स के किसी भी इधर कॉर्नर पर एक निशान बन जाता है और वो जख्म की सूरत अख्तियार कर लेता है। सो ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। जब आपको वायरल फीवर हो तो उसके बाद या उसके साथ साथ ही स्किन के सिम्टम्स में आपको इस तरह के निशानात निकलते हैं, बिल्कुल कंटेजियस होता है, लग सकता है। वायरल मैंने कहा ना, किसी भी तरीके का हो वो ट्रांसमिट हो सकता है, लग सकता है दूसरे को। आपने एहतियात ये करनी है कि अगर आपको फीवर है, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें अपने फीवर का, डेफिनेटली विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मैं नहीं कहूँगी कि आप ऐसा करें। आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है फीवर का भी और आपने हर्पीस का भी, बिकॉज वो निशान देखते ही आपका डर्मेटोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन ने फौरन समझ जाना है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, राइट? आपने जब भी कोई ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसे खुद से घर में कोई क्रीमें लगा के ख़राब ना करें, बिकॉज वो निशान छोड़ देते हैं। बेहतर यही है कि फीवर के साथ या विदाउट फीवर या फीवर की फीलिंग्स के साथ अगर इस तरह का निशान आपके किसी भी इधर कॉर्नर ऑफ लिप पर आता है तो आप इसे कंसीडर करें कि वो हर्पीज़ हो सकता है, और वो हर्पीज़ आपका लिप्स से हट के बॉडी के और दूसरे सेंसिटिव पार्ट पे भी ट्रांसमिट हो सकता है। सो बी केयरफुल, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको नज़र आती है जो कि हर्पीज़ जैसी हो, जिसमें आपको निशान बनते हैं, जिसमें आपको ज़ख्म बनते हैं, इचिंग होती है, पेन होता है, आपने फौरी तौर पर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवल, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी एक्जिमा के ऊपर, हम इन डिटेल गुफ्तगु कर रहे थे। प्रोग्राम है वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। Thank you.